इंदौर के वार्ड क्रमांक 82 के भाजपा पार्षद नितिन उर्फ शानू शर्मा के खिलाफ एक महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर पाया है। इस मामले में पीड़ित महिला ने धारा 164 के तहत कोर्ट के समक्ष अपने बयान दर्ज करवाए हैं, जिसके बाद अब पुलिस ने जल्द ही पार्षद को गिरफ्तार करने की बात कही। द्वारकापुरी पुलिस ने वार्ड क्रमांक 82 के पार्षद नितिन उर्फ शानू शर्मा के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। पार्षद शानू शर्मा का पिछले 2 सालों से एक महिला के साथ निजी संबंध था। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि जब वह आर्थिक समस्याओं से जूझ रही थी, तब उसकी मुलाकात पार्षद शानू शर्मा से हुई थी। इस दौरान पार्षद ने उसकी आर्थिक मदद की, लेकिन इसके बदले में उसने महिला के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत के बाद पुलिस ने पार्षद शानू के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया है और गुरुवार को घटनास्थल पर जाकर तफ्तीश की। पुलिस ने पीड़ित महिला के बयान धारा 164 के तहत केस दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने पार्षद शानू शर्मा की तलाश शुरू कर दी है। सर, पार्षद के खिलाफ, द्वारकापुरी पुलिस ने पार्षद के खिलाफ एक दुष्कर्म का केस दर्ज किया था सर, उस मामले में क्या अपडेट है सर? महिला के क्या बयान हो पाए? उसमें स्टेटमेंट इसके, चूंकि कल FIR रजिस्टर की गई है, उसमें महिला के स्टेटमेंट भी हो गए हैं और इसके अलावा पुलिस के भी स्टेटमेंट हो गए हैं और मजिस्ट्रेट के समक्ष ये 164 के भी स्टेटमेंट करा दिए गए हैं। इसमें आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी। इंदौर से विवान सिंह राजपूत की रिपोर्ट।